आज मॉर्निंग में 7:30 में डेली की तरह जब सीआरपी जा रही थी वहाँ पर नाका लगाने के लिए मॉडल टाउन शोपुर में, और जो ज्वाइंट नाका डेली होता है पुलिस और सीआरपीएफ का, तो जिस टाइम में सीआरपीएफ के जवान गाड़ी से डिबोर्ड कर रहा था उसी टाइम मस्जिद के अंदर से अंधाधुंध फायरिंग आना शुरू हो गया, जिसमें सीआरपीएफ के एक जवान शहीद हो गए, 3 जख्मी हो गए। वहाँ से कार में 65 ईयर ओल्ड एक बशीर साहब जा रहे थे, उसके गाड़ी में एक छोटा बच्चा था, वो पैनिकली गाड़ी से निकल के बच्चा को लेकर भागना चाहा, उनको भी गोली लग गया, उसमें उनकी जान गई है। लोगों ने गलत फैलाया, खास के मिसक्रियंट लोग हैं, और मिसक्रियंट के डर से, मिलिटेंट के डर से उसका बेटा भी एक वीडियो जारी किया जो सरासर गलत है। इनफैक्ट कि मैं पुलिस का एसएचओ का बहुत मैं उसको इंकरेज करूंगा, या मैं ये आप लोग बताना चाहूंगा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अपनी जान को हथेली में डाल के फायरिंग के बीच में जाके बच्चों को वहाँ से रेस्क्यू किया। लोगों को, उनके फैमिली मेम्बर को, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए पुलिस की सेक्शन को। सबसे बड़ी बात जो है इसमें है कि पिछले मैं एक महीना में देख रहा हूँ कि 2 ऐसा इंसिडेंट्स हुआ है जिसमें टेररिस्ट ने हमारे मस्जिद का मिसयूज किया है। पामपोड़ में एलईटी के 2 मिलिटेंट मस्जिद में चले गए, हम लोग बहुत ढंग से रेस्ट्रेंड किए, वेट किए, और बिना कुछ फायर किए उनको न्यूट्रलाइज कर पाए। आज फिर सुबह मॉर्निंग में जो लश्कर तोबा के 2 मिलिटेंट, जैसे एक उस्मान भाई है पाकिस्तानी है, एक लोकल मिलिटेंट है नासिर, दोनों मस्जिद में घुस के मस्जिद से फायर किया। जब पुलिस पार्टी मस्जिद के अंदर गई तो उसमें से 2 मैगजीन उन्होंने रिसीव किया, वहाँ पर रिकवर किया, एक भरा हुआ मैगजीन था, एक का एक आधा खाली मैगजीन था, और दोनों वहाँ से फायर करते थे भागा। इस ढंग से मैं आवाम से, खास करके अफकाब कमेटी के मेंबर से कहता हूँ, मस्जिद कमेटी के जो इंजमिया कमेटी है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मिलिटेंट को प्रेशराइज करें, उनको समझाए कि मस्जिद का किसी भी रिलीज प्लेस का यूज नहीं करें।